कि आपके साथ ऐसा लगता है जैसे मैं महफूज हूं, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता, जिससे आप मेरी हिफाजत कर लेंगे। और अगर मेरा साथ ना हो तो? ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं आपके बगैर कहीं नहीं जा सकती। इतना एतबार है मुझ पर? खुद से भी ज्यादा। वैसे देखा जाए ना तो बीना का तो इसमें कसूर भी नहीं है, वो तो तुम थे जिसने जबरदस्ती बीना को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया। उसने तो आज तक तुम्हें दिल से कबूल ही नहीं किया है। और लड़कियां तब ये करती हैं जब उनके दिल और जिंदगी में कोई और मर्द हो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बेटा, ठीक हूँ। अम्मी वो एक्चुअली मैंने ऑफिस में लंच नहीं किया आज, भूख लग रही है, थोड़ा खाना लगा दीजिए। लगा देती हूँ। अम्मी क्या हुआ, इज एवरीथिंग ऑलराइट? घर में इतनी खामोशी क्यों है? पता नहीं, हालांकि जितनी तुम्हारी सास और तुम्हारी बीवी खुश थी उसके हिसाब से तो इस वक्त घर में जश्न होना चाहिए था। क्या मतलब, समझा नहीं। बीना ने इस घर को छोड़कर कहीं और रहने का फैसला कर लिया है। क्या? हाँ बेटा, उस घर में रोज रोज के लड़ाई झगड़ों से तंग आ गई थी, इसलिए उसे यह फैसला करना पड़ा। वो गई कहाँ? आपने आपने उसको रोका क्यों नहीं? इसलिए कि उस बिचारी के पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था।